Good evening, beautiful people, and welcome to another episode of Bad Gay Pandey. Normally, मैं movie reviews नहीं करता. Last time मुझे जो याद है, मैंने संजू का movie review किया था because it was worth it. लेकिन इस दफा movie review नहीं है. These are the things which we need to learn from Kabir Singh. So without further ado, let's start. देखो यार, मैं तो स्टार्ट ही मूवी के एंड से लूंगा. जो एंड में क्या दिखाया कि उसको वापस अपनी प्रीति मिल जाती है, लेकिन जो बीच में कबीर सिंह की स्ट्रगल थी वो तो हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे दिखाया था. वो तो कबीर भाई ने एक रिस्क लिया था. देखें जी, 549 दफा, लेकिन उसके बाद जो एक दफा क्यों था, क्यों? क्योंकि उसको तो पता था कि उसके खड़ूस बाप ने शादी होने ही देनी, तो उसने कहा एक छक्का लगाई देते हैं, which paid off. देखें जी, जिंदगी में हमेशा कोई एक ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो आप समझेंगे कि लेजेंड है वो, उससे बेहतर उस फील्ड में और कोई हो ही नहीं सकता. और पिछले साल हमें देखा था संजू बाबा, एंड हिज लकी नंबर वाज 308. लेकिन इस साल, like I said, never underestimate anyone, क्योंकि we have found a new winner, Kabir Singh, with the lucky number of 550. And remember, that is excluding the girls he met while he was away from Preeti. देखें जी, लुक्स डू मैटर, एंड नॉट इवन द गर्ल्स, लड़के भी कबीर सिंह की ब्यूटेड लुक से इम्प्रेस हुए थे. लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस एक्स ने आपको लात मार दी है, जिसकी शादी होने वाली है, उसको आप अपनी दाढ़ी बड़ी करके हाथ में दो सिगरेट पकड़ के इम्प्रेस करेंगे, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कबीर सिंह एक यूनिवर्सिटी का टॉपर था, ही वॉज द फुटबॉल टीम कैप्टन, एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल सर्जन. और ऊपर से एक और बात आप ही के फायदे के लिए, कि शुक्र करें उसने इंजीनियरिंग नहीं की थी, वरना उसको जॉब भी ना मिलती. गलर की तो दूर की बात है. ये बात मेरी गौर से सुनना, समझना और अपने दिमाग में बिठा लेना. चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी कोई एक्स हो, चाहे आपकी शादी होने वाली हो, चाहे आप एंगेज्ड हो, चाहे आपको अपनी नेबर पे क्रश है, या चाहे आप सिंगल एस फक हैं. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए. ये गाना अपने जहन पे हावी नहीं करना, एक दफा सुन के साइड पे रख ले. क्योंकि अगर आपने ये गाना सुनना शुरू किया, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो आप मिस करेंगे और आप कुछ इस तरीके के लगने शुरू हो जाएंगे. ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा. जिंदगी में एक बात याद रखना, आपको प्रीति जैसी लड़की, उसका प्यार मिले या ना मिले, लेकिन दुआ करना कि आपको शिवा जैसा दोस्त जरूर मिले. उस बंदे ने हर जगह उसकी मदद की, यहां तक पंजाबी में कहते हैं ना एक गाली के तौर पे कि अपनी भैन का रिश्ता दे दे, उसने तो लिटरली दे दिया था. एक और शिवा की तारीफ में ये बात करना चाहूँगा कि चाहे जो भी कुछ हो, आपका दोस्त मर रहा हो, जी रहा हो, उसकी मदद करो, लेकिन अपने क्लिनिक टाइम पे जाया करो. मतलब अपने काम पे हमेशा टाइम पे जाना लाजमी है. नेवर मिस आउट ऑन योर वर्क. क्योंकि याद है सल्लू भाई ने एक दफा कहा था, तो लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, तो पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी. वैसे अगर देखा जाए तो उसको तो फिर भी कोई लड़की नहीं मिली, एथिकली, ऑन टाइम, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी लड़की तो उस जैसी बेवड़े कबीर सिंह को मिली. लेकिन खैर, सल्लू भाई थे, बोंगी तो मारनी थी कोई.
Alright guys, that's all from this video. I hope you like it. ये थोड़ा नया segment था, इसीलिए if you have any suggestion कि इसको मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, do comment and don't forget to subscribe the channel. और एक बात याद रखना, बेख्याली ज़हन से निकाल दो, क्योंकि आपको हर जगह सुनाई वो मेरी आदतों की तरह छू